पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचने की संभावना है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक। सो आज हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली टू मुंबई। आज ही हमारा जर्नी रहेगा ट्रेन से। हमारी ट्रेन का नाम है गाइस, हमारी ट्रेन का नाम है अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। सो इसमें आज हम जाने वाले हैं गाइस। ये मैंने ट्रेन जो बुकिंग करवाई थी, ये मैंने इंस्टेंटली करवाई थी और इंस्टेंटली ये हो भी गई थी। इसका प्राइस मुझे लगभग 1800 के आसपास का पड़ा। 1800 में मुझे थर्ड एसी की टिकट मिली है और गर्मियों का टाइम है, सो एसी होना थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। सो मैं आपको इसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स दे देता हूँ। ये ट्रेन चलेगी लगभग 5:15 पे। सो गाइस, आज है 8 सितंबर और ये हमें पहुंचाएगी 9 सितंबर की सुबह 10 बजे। गाइस, ये मेरा फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग है तो मेरे से बहुत सारी गलतियां भी होंगी। सो उस चीज़ के लिए मैं आपको आपसे थोड़ा एक्सक्यूज़ लेना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और कुछ चीज़ें मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ मुंबई के लिए। मेरे पास कोई प्लान नहीं है कि मैं क्या करूँगा वहाँ जाके। तो जो भी होगा वहाँ जाके पता चलेगा। अभी तक मैंने होटल बुकिंग, हॉस्टल बुकिंग कुछ नहीं कराई है, वहीं जाके ही करवाऊँगा या फिर इंस्टेंटली booking.com से करवा लूँगा, वो इंस्टेंटली हो जाता है। और बस देखते हैं अब इस जर्नी में क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है। तो गाइस, 5 बज चुके हैं, लगभग 15 मिनट है ट्रेन को डिपार्चर होने में। तो जाके बैठते हैं अपनी ट्रेन में। अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो आप अपना मास्क जरूर पहन के रखें। मेरी सीट ऊपर की साइड है, मैंने ये फर्स्ट वाली सीट ली है। तो हमारी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। ट्रेन 5:15 हो गए हैं और ट्रेन चल पड़ी है।